हेलो वेलकम ट्रेडर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल लाइव में। सो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेंगे बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन का अभी का क्या पोजीशन है और क्या पोजीशन रह सकता है और कब तक रह सकता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं इंट्रो एंड डिस्क्लेमर के बाद। सो ट्रेडर्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपना बिटकॉइन यूएसडी जो पेयर है बिटथम के। सो हम बिटथम को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ये काफ़ी क्लियर तरीके से दिखाता है, इसका चार्ट में काफ़ी क्लियरेंसी है, जिसके कारण हम इसे यूज़ करते हैं। हम बाइनेंस को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसके जैसा डेटा नहीं दे पाता है वो, और दूसरा वेबसाइट भी इसके जैसा नहीं दे पाता है। सो जिस कारण हम बिटथम को ही यूज़ करना पसंद करते हैं। और आपके पास अगर कोई दूसरा वेबसाइट है, यानी कि कॉइनबेस, बाइनास, बाइनास को भी हम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम ही यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत पुराना सपोर्ट लेवल है, बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस है, तो उसको डिफाइन करने में ये जो है ये काफ़ी पीछे रह जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही नए हैं और बिटथम जो है काफ़ी पुराना है, इसके लिए इनके पास डेटा भी बहुत ज़्यादा है। सो चलिए हम बात कर लेंगे अभी बिटकॉइन का क्या पोजीशन है और इस वक्त आप लोग क्या पोजीशन ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बिटकॉइन का पोजीशन अभी मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं हुआ है। सिक्योर मतलब कि आप एंट्री लोगे और चुपचाप बैठे रहोगे, आपका पैसा बढ़ता रहेगा, अभी ऐसा पोजीशन नहीं आया है। और अगर हम बात करें कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट की, तो मेरे ख्याल से 6150 के आसपास है। 6150 से आप इसको 200 भी मान सकते हो, $6,200 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पोजीशन यहाँ पे देखा है, जो इसका सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में सपोर्ट लेवल ये है लेकिन हम इसको क्यों नहीं ले रहा है उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है उसके ऊपर, तो यहाँ पे काफ़ी बार मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश किया है और काफ़ी बार सपोर्ट भी दिया है। इस जो सपोर्ट लेवल है ये 6150 के आसपास, और इवन जो लास्ट टाइम यहाँ पर ग्रोथ हुआ था बिटकॉइन का, उस टाइम भी यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है। सो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट माना जा सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये यहाँ तक आ सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है इसको एक बार हम चेक कर लेंगे ये कितने का है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है 5780, यानी कि $5,800 के आसपास है। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि लोग बोलेगा कि ऐसा माहौल अभी तक नहीं आया है, और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अभी यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, तो आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। सो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी किसी की बातों में आके आप अपना पैसा मत फंसवाइए, क्योंकि हम जो है वो बोल के निकल जाते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर की इंक्लूडिंग में। सो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है और जब लोग कह के भाग जाते हैं सो पैसा आप लोगों का ही फंसता है, तो ध्यान आप लोगों को ज़्यादा देना पड़ेगा कि हमारा पैसा ना फंसे। सो आप लोग मेरे बातों पे भी ट्रस्ट मत कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मतलब आप लोगों को ट्रस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को टेक्निकल एनालिसिस को समझना होगा बारीकी से, और आपको देखना होगा यहाँ पे मैं पोजीशन ले सकता हूँ या नहीं। और देखिए यहाँ पे मैं सभी चीज़ें बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो है बोलता हूँ वो 100% सही जाता है। मैं आप लोग मेरा वीडियोस भी दिखा देता हूँ कि काफ़ी बार मेरा स्टॉप लॉस सेट हो चुका है, सो उसका भी मैं अपडेट देता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे
मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले वीडियोस में जो हमने बिटकॉइन और यूएसडीटी में यहाँ पे पोजीशन लिया था, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बहुत सारी जगह में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और जो हमने मिथ कॉइन के एनालिसिस किया था, यहाँ पे दो कॉइन की एनालिसिस किए थे, सो हमारा जो मिथ कॉइन था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसका भी अपडेट मैं इस वीडियो में कर दिया आप लोगों को, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। और जो वेव था उसमें हमें 34% तक का प्रॉफिट दिया है। और इससे पहले हमने XLM का एनालिसिस किया था जिसमें लगभग 90-20% तक का हमें प्रॉफिट हुआ था। सो दोस्तों, काफ़ी बार ये होता है कि लोग अपना गलतियों को छुपाता है, यानी कि जो भी पोजीशन अपना स्टॉप लॉस सेट कर जाता है उसको नहीं दिखाता है या फिर नहीं बताता है। सो आप लोग इस तरह के लोगों से बच के रहिए जो कि अपनी गलतियों को छुपाता है, क्योंकि हमें गलतियों से सीखना है, गलतियों को छुपाना नहीं है। सो आप कोशिश कीजिए जितना भी आपसे गलती होता है उसको फाइंड आउट करने की, क्योंकि उसी में से आप अपना जो नेक्स्ट पोजीशन है और नेक्स्ट जो आप मूव ले सकते हो, क्या उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं। जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें भी हमें फॉलो करना होता है कि हमें जो आगे क्या कुछ हुआ है चार्ट में, चार्ट में क्या कुछ गलती किया है या फिर उस जगह में हमें किस तरीके से फंसाया है, हमने किस तरीके से गलती किया था, सो दोबारा हम कैसे इसको जो है अप्रूव कर सकते हैं कि हमारा ये गलती नहीं होगा। सो दोस्तों, इसके लिए हमें अपना हिस्ट्री को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें एनालिसिस भी बताता है कि आपको जो है अपना हिस्ट्री देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर चेक करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मेरे ख्याल से अभी तक उतना ज़्यादा सही नहीं हुआ है। और अगर हम RSI की बात करें तो RSI लगभग ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, और यहाँ से मेरे ख्याल से 6200 को टच करने में इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। हो सकता है यहाँ से भी मूव ले, लेकिन मूव लेने के लिए भी उसको तो दिखाना ज़रूरी है कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। सो इसके लिए भी अलग से पोजीशन बनेगा। जब तक नहीं बनता है तब तक हमें कोई पोजीशन नहीं लेना है। और अगर हम देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट में बात करें, सो वीकली चार्ट में भी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे आने के लिए इसको ज़्यादा देर नहीं लग सकता है, क्योंकि इसने जैसे कि लोअर लो बनाया है मार्केट ने, सो उस तरीके से इसका सपोर्ट जोन यहाँ पे ही है। सो अब इसके आगे पीछे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, और हो सकता है ये 200 मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर भी रेस्ट ले। सो यहाँ से भी ये मूव कर सकता है। सो सपोर्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से ही मूव करेगा, हो सकता है सपोर्ट के थोड़ा नीचे से भी मूव करने की कोशिश करे मार्केट। सो इसके लिए आपको मार्केट को ज़्यादा फॉलो रखना पड़ेगा, और पोजीशन कहीं पे भी मत लीजिए जब तक फाइनल नहीं है कि मार्केट यहाँ से जाने वाला है। सो तब तक हमको पोजीशन नहीं लेना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, और अपने पैसे सिक्योर रखिए, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपको लोग एडवाइस देते रहेंगे, जब तक आपके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा तो लोग भी आपको एडवाइस देना बंद कर देंगे। सो इसके लिए अपना पैसा जो है वो सिक्योर रखें, और जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें, और एक बार ज़रूर किसी से डिस्कस कर लें कि कहाँ पे पोजीशन लेना चाहिए और कहाँ तक के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अभी दिन ब दिन बहुत ही पोजीशन ख़राब होता जा रहा है, पोजीशन बिगड़ता जा रहा है। सो आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ के करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, बिटकॉइन की जो भी अपडेट था और जो भी कुछ मैंने यहाँ पे बताया हूँ, आप लोगों से डिस्कस किया हूँ, वो शायद कोई और बताता होगा, क्योंकि लोग अपना काम करके निकल जाता है और पैसा आप लोगों का फंस जाता है। सो इसके लिए आप लोगों को इन सारे चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप लोग ज़रूर इसका ध्यान रखेंगे, और क्या कुछ आप लोगों का अपडेट है, क्योंकि आप लोगों का अपडेट भी जानना ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि आप लोग भी कुछ डिस्कशन करें, और इसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।
सो जो भी कुछ अपना राय है, अपना सुझाव है, ज़रूर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियोस में, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।